ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 16 अप्रैल है। 16 कलाओं से संपूर्ण अर्थात सभी कलाओं में निपुण ऐसे हमारे हम सभी के अति प्रिय देवता हनुमान जी का जन्मोत्सव आज है। हनुमान जयंती है तो सभी भाई बहनों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। अर्थात जिन्होंने अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त की है, मन जीते जगत जीत बन गए हैं, वो हमारे महावीर हनुमान जी है। मारुत तुल्य वेगम, जैसे मारुत अर्थात हवा या वायु, वायु का जो वेग होता है उस वेग को जिन्होंने धारण किया है, अपनी उड़ान ऐसी इतनी तीव्र और शक्तिशाली है कि जहाँ पर भी जरूरत है उनकी वहाँ सेवा के लिए वो उड़ते उड़ते चले जाते थे। तो ऐसे हमारे अति प्रिय मारुत तुल्य वेगम हनुमान जी है। जितेंद्रियम, जिन्होंने अपने पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त की हुई है। जितेंद्रियम, इंद्रियों पर जीत पाई है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो पांच हमारे ज्ञानेन्द्रिय है, और आँखें नाक मुख हमारे कान नाक और विशेष हमारी हाथ पाँव, इनके ऊपर जिन्होंने पूरी की पूरी जीत पाई हुई है अपनी तपस्या के बल से, राजयोग के बल से, परमात्मा पिता की याद के बल से, ऐसे पवित्र हनुमान जी है। ब्रह्मचर्य व्रत का जिन्होंने आजन्म पालन किया, ऐसे महावीर हनुमान जी जो अपने ही घर गृहस्थी में रहते हुए पवित्रता का जिन्होंने अपने लाइफ में श्रृंगार किया, प्योरिटी के पर्सनालिटी और रॉयल्टी को धारण किया, वे हनुमान जी है। वो कोई सन्यासी नहीं थे जिन्होंने घर बार छोड़ा था और सन्यास लिया, ऐसे नहीं थे हनुमान जी। तो ऐसे घर गृहस्थी में रहने वाले और कमाल करके दिखाने वाले बाल ब्रह्मचारी और तप की आभारी, ऐसे ही हमारे प्यारे हनुमान जी, आज उनकी जयंती है। बुद्धिमताम, बहुत ही बुद्धिशाली, जहाँ जरूरत है वहाँ पर ही ज़्यादा बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो उन्होंने अपनी बुद्धि में, बुद्धि अर्थात दिल है, मन बुद्धि और संस्कार युक्त हम आत्मा है, और अपने दिल में जिन्होंने श्री राम जी को बसाया, इतना बसाया था, इतना बसाया था कि उनके दिल में और किसी के लिए जगह नहीं थी। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की कहा, तो जिनके दिल में राम सीता जी को इतना महत्व था, इतनी जगह थी। जब आपने सुना ही है कि खुश होकर के सीता मैया ने जब उनको हीरे का रत्न जड़ित हार गिफ्ट के रूप में दिया, उपहार के रूप में दिया, तो वो बैठ करके एक पेड़ के ऊपर बैठकर एक एक जो मणि है उसका माले का माला का जो मणका था, दाना था, वो तोड़ करके वो नीचे गिरा रहे थे। किसी ने जा करके इसकी खबर सीता मैया को दी। सीता मैया खुद आकर के देख रही थी कि इतने अनमोल हार का ये क्या रूप बना रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहे हो, पूछा सीता मैया ने हनुमान जी को, पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि इसमें मुझे श्री राम जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो सीता मैया पूछती है कहाँ है श्री राम जी, तो हमने देखा है कि उन्होंने सुना भी है शास्त्रों में कि छाती फाड़ करके फिर दिखाया कि उनका स्थान अपने हृदय में है।
हाँ, तो हम देखते हैं कि हृदय में जब सीता मैया ने देखा राम जी और सीता जी बैठे हैं, तो उन्होंने भी उसको बहुत सारी ढेर सारी दुआएं दी। और हनुमान जी ने बता दिया कि ये जो स्थूल चीज़ें हैं इसमें राम नहीं बसते हैं। हाँ, जो सूक्ष्म है, मनसा है या बुद्धि है, उसमें श्री राम जी बसते हैं। तो बुद्धि में हमें आज हमारे लिए भी कोई कहे कि आपकी दिल में कौन है और हम दिखाए चीर फाड़ करके, हाँ ऐसे तो नहीं फाड़ेंगे, ऐसे तो कोई कट नहीं करेगा, लेकिन हमारे दिल में हम देखें कि हम परमात्मा को कितना समाए हुए हैं। हाँ, हमारे घर की माड़ी महल सब कुछ है, जो भी बच्चे हैं सबके लिए जगह है, लेकिन परमात्मा के लिए जगह कितनी बची हुई है हमारे दिल में, हम देखें आज। और पूरा हनुमान जी को हम फॉलो करने का प्रयास करें। एक राम जी को हम जितना हमारे दिल में बिठाएंगे, उनकी धारणाओं को बिठाएंगे, उनकी शिक्षाओं को हम प्रैक्टिकल अमल में लाते जाएंगे, उतना हनुमान जी बनने में हमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कहेंगे अरे हनुमान जी हम कैसे बन सकते हैं? बन सकते हैं। यदि आप किसी आत्मा को, दुखी कष्टी आत्मा है, शोक वाटिका में बैठ करके रो रही है, तो उसको आप परमात्म ज्ञान सुना करके यदि आप अशोक वाटिका अर्थात स्वर्ग में ले जाएंगे, परमात्मा से उनका बुद्धियोग जुटा देंगे, तो आप ही हनुमान जी बन गए ना। तो ये हम अवश्य करते जाए। दूसरा है वरिष्ठम, सभी महावीरों में सीनियर महावीर बताए गए हैं श्री राम जी। तो इस श्री राम जी के बारे में जो देवता है, इनको हम देखते हैं कि कितना वो शक्तिशाली है, कितना वो पवित्र है। हाँ, तो राम जी को अपने दिल में समाए हुए हमारे हनुमान जी हैं, खाली कहने के लिए नहीं। एक बार ऐसे ही हुआ, जब देखा हनुमान जी ने कि भाई जो जनरल डायरी थी उसमें, जनरल डायरी जो थी या भगवान की जो डायरी थी, इसमें तो बहुत पहले किसका नाम था, बहुत ऊपर नाम था नारद मुनि का। तो नारद मुनि को देख करके हनुमान जी को तो बहुत अंदर में ये हुआ कि अरे मैंने तो भगवान का इतना किया, मैं इतना नाम लेता हूँ, मैं इतना उनकी सेवा करता हूँ, फिर भी नारद मुनि का ही नाम ऊपर है, मेरा नाम कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर भगवान को उन्होंने पूछा कि हे भगवान ऐसा क्यों है? तो भगवान ने कहा रुको, ये मेरी जो आपने डायरी देखी ना, ये जनरल डायरी थी, इसमें ऊपर नारद मुनि का नाम था, क्योंकि नारद मुनि वो है जो भगवान को बहुत प्यार से याद करते हैं। लेकिन आपको मैं और एक मेरी डायरी दिखाता हूँ, और ये छोटी सी डायरी निकाली और उसमें देखा कि हनुमान जी का पहला नाम था। हनुमान जी ने बोला कि ये किसकी डायरी है, ये कौन सी डायरी है? तो भगवान ने कहा वो ये वो डायरी है जिसमें स्वयं भगवान उस आत्मा को याद करते हैं। जनरल डायरी में वो भक्त भगवान को याद करते हैं, और इस डायरी में स्वयं भगवान अपनी सेवा के लिए उस आत्मा को याद करते हैं, उनके उनमें आपका पहला नंबर है। तो हनुमान जी बहुत खुश हो गए और उन्होंने लाखों लाखों शुक्रिया अदा किया। तो इस तरह से वरिष्ठम है वातात्मजम, जिनका जन्म ही वायु से हुआ है और जिन्होंने अपने आत्म ज्ञान को पहला पक्का किया। कहते हैं हनुमान जी इतने विनम्र थे कि वानर युथ मुख्यम। अभी आप कहेंगे कि जो राम सेतु, रामा ने जो सेतु बांधी थी विशेष लंका में जाने के लिए, तो क्या सभी बंदरों की सेना ली? परमात्मा कहते हैं कि इस कलयुग में ऊपर से बस देखने के लिए तो आदमी है या मनुष्य है, लेकिन सूरत से वो मनुष्य है, लेकिन उसकी सीरत जो है ना वो बंदर की है। हाँ, बंदर माना ही जो बिल्कुल चंचल होता है, शांत नहीं रहता है और विकारी होता है। लेकिन अपने इस मन के ऊपर जिन्होंने पूरी की पूरी जीत पाई हुई है, बंदर से भी मंदिर लायक जिन्होंने बनाया है, वो श्री राम जी के सभी बच्चे थे। बच्चे थे, कोई भक्त नहीं, बच्चे थे। और इन्होंने ही जो भी दुखी आत्माएं हैं उनको सुखी बनाने के लिए ये जो सेतु है वो बांधा हुआ था। तो
विशेष हम देखते हैं कि आज भी मनुष्य बंदर जैसे ही व्यवहार कर रहा है। इसलिए हनुमान महात्मा गांधी जी ने भी तीन बंदर दिखाए थे, बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, है ना, ये चार बंदर हम देखते हैं। तो वानर इसका अर्थ ही है कि नर ही है, लेकिन उसकी जो वृत्ति है, दृष्टि है, कृति है, वो कमजोर है या देह अभिमानी है, तो उसको अभी देही अभिमानी बनना बहुत आवश्यक है। श्री राम दूतम, श्री राम का दूत है, और हनुमान जी खाली बस वो शांति दूत भी थे, पवित्रता का भी दूत थे, ज्ञान का भी दूत थे, सुख का भी दूत थे, और विशेष ये संदेश लेकर के गए थे, संदेश वाहक थे। सीता मैया के पास जा कर के उन्होंने संदेश दिया कि मैं कौन हूँ, श्री राम जी का दूत हूँ, उनका बच्चा हूँ, और आपके पास ये संदेश लेकर के आया हूँ। उनके पास सारी शक्तियाँ होते हुए भी उस शक्तियों को समेटना और यथाशक्ति विशेष जहाँ जरूरत है वहाँ पर अपनी शक्तियों को लगाने बहुत जरूरी है। दान, दया, युद्ध और धर्म, ये जो चार भेद, चार वेद बताए गए हैं, दान, दया, युद्ध और धर्म। कोई दान करता है तो उसको दानशूर कहते हैं, कोई दया करता है तो दयावान कहते हैं, या महावीर कहते हैं युद्ध में जरूर नंबर लेते, या धर्मवीर कहते हैं। लेकिन इन चारों बातों में महावीर हमारे हनुमान जी विद्वान, सद्गुणी और अतिशय होशियार, बहुत ही होशियार। एक बार ऐसे ही उनकी माँ ने उनको पूछा था कि हनुमान जी आप तो अकेले ही लंका को ख़त्म कर सकते थे, लेकिन फिर भी आपने ऐसा क्यों नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि श्री राम जी की आज्ञा नहीं थी मुझे। तो राम जी की आज्ञाधारी, आज्ञाकारी थे वो, इतने आज्ञाकारी थे, वफादार थे। आपने देखा होगा उनकी जो बैठने की स्टाइल जो है ना, वो भी ऐसे ही है, हाथ जोड़ करके विनम्रता से वो बैठे हुए हैं, आप भगवान जी आप हमें आज्ञा दें और हम कुछ करें। तो ऐसे हनुमान मना हर्षित मुख, नम्रता जिनके अंदर बहुत सारी भरी है, और विशेष नवीनता जो करते हैं, नावीन्यपूर्ण जिनके अंदर संस्कार है, माननीय है, महान है, और खुद को वो यहाँ पर मेहमान समझ करके चलते हैं, सबको सम्मान देते हैं, वो हनुमान जी है। तो ऐसे हनुमान जी के बारे में बहुत सारी बातें हैं कि उन्होंने उस समय कहा था कि श्री राम जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी, नहीं तो मैं खुद ही उस लंका को ख़त्म कर देता था। हनुमान जी जब चल रहे थे, हमने सुना है शास्त्रों में कि लंका की ओर जा रहे थे और बीच में सागर समंदर को पार कर रहे थे, उसी समय ही वहाँ पर उनको एक पर्वत मिलता है जिसका नाम था मैनाक। मैनाक पर्वत ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप इतनी दूर से आ रहे हैं तो यहाँ आकर के आप विश्राम करें थोड़ा, फिर आगे चले जाए। ये मैनाक पर्वत तो एक बहुत ही सुवर्ण का या सोने का बना हुआ था, जहाँ पर सब चीज़ें थी। तो उन्होंने कहा कि सुख और समृद्धि का ये प्रतीक माना जाता है मैनाक पर्वत। तो हनुमान जी ने कहा उनको कि हम राम के भक्त हैं और भक्तों को उद्यमशील रहना चाहिए, या भक्तों को कार्य भी तत्पर रहना चाहिए, कभी भी विलासी नहीं बनना चाहिए, या सुख साधनों में ऐसे ही भटकना नहीं चाहिए। तो ये उनकी जो त्यागी तपस्वी वृत्ति है, ये बहुत अच्छी हमको प्रेरणा देती है। तो आदर्शवाद ये गुण जो है, संगठन के भी कौशल्य है उनके अंदर, बड़े सारे ढेर सारे लोग उनके पास थे, वो भी कमज़ोर थे, लेकिन उन्होंने उनको बल दे करके, शक्ति दे करके उनका आत्मसम्मान बढ़ाया। जैसे हनुमान जी भी समुंदर पार करने के लिए तो नहीं जा रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरे अंदर कहाँ है इतनी शक्ति। तभी जामवंत ने उनको याद दिलाया कि अरे छोटा था तो एक सूर्य को भी तुम जैसे बॉल की तरह, एक गेंद है ऐसे समझ करके तुम पकड़ने गए थे, अरे वो तो बॉल है मैं पकड़ सकता हूँ, तो तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, इतनी उड़ान तुम भर सकते हो, तो क्या यहाँ का समुद्र तुम पार नहीं कर सकते हो, ये तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी है। तो परमात्मा शिव जी भी हमें जामवंत के रूप में ये प्रेरणा दे रहे हैं कि आप इन विकारों पर जीत पहन सकते हो, आप एक समय की वही देवी देवताएँ आत्माएँ हैं, आदि सनातन देवी देवता कुल की आप आत्माएँ हैं,
तो आपके अंदर ये बहुत सारी प्रचुर मात्रा में शक्ति है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से हनुमान जी हमारे लिए बहुत वंदनीय है। तुलसीदास ने एक बात कही है, संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमान बलबीरा। तो बलवंत ऐसे हनुमान जी महावीर है, तो उनके लिए ढेर सारी हम सभी आत्माओं की ओर से हम उनको नमन करते हैं। और यही हम कहना चाहूँगी कि हनुमान जी को भले हम पूजे, उनका गायन करें, लेकिन उनके जैसा हम बने। जो बाल ब्रह्मचारी है उनके अंदर पवित्रता का बल है, तो हमारे युवाओं के लिए वो शक्तिशाली है। ऐसे नहीं कि खाली जो कुश्ती करते हैं वो ही हनुमान जी को सामने रखे कि बल का या शक्ति का प्रयोग, शक्तिशाली बनने के लिए हनुमान जी हमारे साथ हैं, लेकिन हमारे कर्मेंद्रियों पर जीत पाने के लिए भी हम हनुमान जी को सामने रखें, उनकी प्रेरणाएँ लें, उनको हम एक आइडल रखें, एक रोल मॉडल हमारे सामने हैं हनुमान जी, तो उनको हम याद करें। याद करते करते जैसे इतने वो विनम्र थे कि कहीं पर भी सत्संग होता था तो जूते में भी, जूतियों की जगह पर, जहाँ समझो बहुत सारी जगह भरी पड़ी है लोग और बैठने के लिए उनको जगह नहीं थी, फिर भी वहाँ पर जाकर के वो सत्संग सुनते थे। लेकिन क्या आज के ज़माने के बच्चों को सत्संग सुनने की दिल होती है? वो तो बस मोबाइल लेकर के बैठे रहते हैं, जाएंगे सत्संग में भी वहाँ भी मोबाइल लेकर के बैठेंगे, क्या बात है इनकी सुननी, चलो मोबाइल देखें। हाँ, तो भाई बहनों को, विशेष युवाओं को हम आज रिक्वेस्ट करते हैं कि हनुमान जी को हम सामने रखें, उनके जैसा बनने के लिए राजयोग आवश्यक है।